ਤੀ ਮਿਲੇ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो इवनिंग टाइम शुरू होता है टी से, लेकिन आज हमारी टी टाइम से थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया था कि ही इज़ ऑन द वे टू होम, तो उनका वेट कर लेते हैं तभी मैं चाय बनाऊंगी। तो ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ प्लांट्स को पानी देने का, ये करती हूँ हमेशा टी टाइम के बाद, लेकिन क्योंकि टी टाइम को अभी थोड़ी देर है तो तब तक यही काम क्यों ना निपटा लिया जाए। बढ़िया लगाई है। अच्छा हुआ ना, कोई काम करने पे आ जाओ तो हो ही जाता है। अच्छी लग रही है, चढ़ेगी तो पता चलेगा। नहीं चढ़ेगी, काफी पुरानी है ना ये मेहंदी। मम्मा भजन कीर्तन सुनने के साथ साथ अपने हाथों में मेहंदी लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं, और यहाँ जैस्मिन अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही है, क्योंकि आज शाम को उसे वीडियो अपलोड करनी है, और जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा तब तक उसकी वीडियो उसके चैनल पे अपलोड हो चुकी होगी। और आज उसका अपने फ्रेंड से मिलने का प्रोग्राम भी था, तो वीडियो अपलोडिंग के बाद वो सीधी वहीं निकल गई। जल्दी आना बेटा। क्या देख रहा है? अभी नहीं टाइम हुआ घूमी घूमी का? अभी तो ना टाइम हो गया तुम्हारा घूमी घूमी का स्टफ। अभी तो देखो कितना टाइम हुआ है, 5:25 हुए हैं। नो घूमी घूमी। और यहाँ पे उदय बना रहा है अपने लिए एग ब्रेड सैंडविच। ये उदय ने यहाँ पे ब्रेड के ऊपर मेयो लगाई है, और साथ ही में ये बहुत सारा सामान यूज करता है कोई भी सैंडविच बनाने के लिए। स्पेशली ये देखिए यहाँ पे ये ओरिगैनो, ये इनके हर मील का एक पार्ट बन चुका है। अगर मैं कुक कर रहा हूँ तो कुछ जल नहीं सकता। ओके वाओ। तो उदय की तो मुझे एटलीस्ट कोई टेंशन नहीं होती है कि उसे भूख लगी होगी, वो क्या खाएगा या नहीं खाएगा। वो अपने आप फ्रिज खोलता है, किचन में आता है, जो भी उसे खाना होता है अपने लिए बनाता है और खा लेता है। और जो भी वो अपने लिए बनाता है वो जैस्मिन को इतना टेस्टी लगता है कि जैस्मिन फिर से डिमांड करती है उससे कि प्लीज मेरे लिए भी एक बना के। चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए उससे। चार्ज करेगा दीदी से चार्ज करेगा। पहले कितना स्टाइलिश बनाया मैंने। सही है, मस्टर्ड सॉस लगाई है। उदय के लिए बनाने की मुझे कोई टेंशन नहीं है, उदय अपने लिए बना ले। नए नए एक्सपेरिमेंट भी करता है अपने खाने में, बहुत अच्छी बात है। पापा आज डेंटिस्ट के पास गए हैं तो वो टी टाइम तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुलदीप जी पहुंचने वाले हैं तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है। बिल्कुल टाइम पे आए हो, चाय भी रेडी है। जो मेरा एग सैंडविच है वो VIP गोल्ड वाला एग सैंडविच है। क्यों? देखिए इसके अंदर क्या कॉमन है नॉर्मल सैंडविच और मेरे VIP गोल्ड सैंडविच मेयोनीज कॉमन है। इसके अंदर चीज है, मस्टर्ड है, इसमें ओरिगैनो है, इसमें चिकन की ग्रेवी है, इसमें अंडा है जो की परफेक्टली सिम गैस पे स्लोली कुक करा गया है प्रॉपर फ्लेवर के लिए, और अंडा जो है वो किसी नॉर्मल तेल पे नहीं प्योर घी पर बनाया गया है। तो मतलब इससे बढ़िया आपको मिल ही सकता है। और उदय यहाँ पे बता रहा था कि उसका सैंडविच उसकी मम्मा के बनाए हुए सैंडविच से किस तरह बेटर है, क्योंकि मैं सैंडविच में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करती हूँ, इसीलिए वो अपने सैंडविचेस हमेशा खुद ही बनाता है। जाओ स्टफी को घूमी घूमी लेके जाओ। हाँ वो एक्साइटेड हो जाता है ना जाने के लिए, चक्कर लगाता रहता है फिर यहाँ से वहाँ। अब रोनी जाओ, तुम भी वॉक करो जाके। चलो शाबाश। चाय पीने के बाद मम्मा ने गार्डन में प्लांट्स को पानी दिया, और उसके बाद मम्मा ले रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर, और इस ड्रिंक को वो कभी सुबह और कभी शाम को ले लेते हैं। तो दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद ओजीवा प्लांट बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टर।
इस कोविड के क्रिटिकल टाइम में हम डर के साथ इस वायरस को हरा नहीं पाएंगे। काम तो करना ही होगा और उसके लिए घर से बाहर भी जाना होगा, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तरह का बैक्टीरिया कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीवा ने रिसेंटली ये इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किया है, जो इंडिया का फर्स्ट हेल्थ ड्रिंक है, जो कि 100% प्लांट बेस्ड है। ये हमें प्लांट वाइटामिन सी प्रोवाइड करता है, जिसमें सिंथेटिक वाइटामिन सी टैबलेट्स के मुकाबले 15 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें एल्डरबेरी एक्सट्रैक्ट भी है, जिसमें कि विटामिन ए, सी और जिंक होता है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है किसी भी तरह के वायरस से फाइट करने में। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोला चेरी, गुडुची जिसे कि हम गिलोय भी कहते हैं, और तुलसी एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वंडरफुल रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि प्लांट बेस्ड है, तो नेचुरल वे में ही इम्यूनिटी बूस्ट करता है। एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम खुद भी जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, बट डेली ही सब चीज़ों को कलेक्ट करना और डेली उन्हें बॉयल करके कंज्यूम करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसीलिए ओजीवा ने एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर हमें प्रोवाइड किया है, ताकि हम इजीली इसे डेली लाइफ में यूज़ करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जेंडर या एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 साल के बच्चे से लेकर किसी भी एज का कोई भी पर्सन इसे ले सकता है। 200 ml पानी में आपको 2 स्कूप इसमें ऐड करने हैं और अच्छे से इसको स्टिर करना, और अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ममा को लेमन सूट नहीं करता, तो उनकी इम्यूनिटी की चिंता ज़्यादा होती है। सो टेस्टी भी है और बेनिफिशियल भी। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और स्टफी का खाना बना के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि वॉक से आने के बाद थोड़ी देर में वो खाना खा लेता है। और डिनर में बना रही हूँ मैं साबुत मूंग की ड्राई दाल, जिसे मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था, वो काफ़ी फूल चुकी है। प्रेशर कुकर में बहुत थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। सिर्फ 1 सीटी बजेगी और हम गैस बंद कर देंगे। बस उतना ही हमें इसको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसके स्लाइस थोड़े और थिन करो, दे थिन करना ज़रूरी है। चाकू दूसरा ले लो बेटा, तेरे को यही चाकू क्यों पसंद है। तो अभी यहाँ पे उदय कैप्सिकम काट रहा था और मैं उसे समझा रही थी कि तुमने कितनी बड़ी बड़ी काटी है, यहाँ पे इसके थिन स्लाइसेस में इसको कटिंग करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे पता नहीं रही थी, मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा डांट भी रही थी कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कैप्सिकम कैसे काटते हैं जब भी हम पनीर की कोई रेसिपी बनाते हैं। तो ये मुझे बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं आपको बताती हूँ, क्या बोल रहा था, क्या मेरे को डांट नहीं सकते, मैं 15 साल का हो गया हूँ। हाँ, मैं 15 साल का हो गया हूँ मम्मा, अब आप मेरे को डांट नहीं सकते। तो इसको समझाइए कि माँ के लिए बच्चे चाहे कितनी बड़े क्यों ना हो जाए, मैंने इसको बोला तो चाहे 100 साल का हो जा, फिर भी मैं तेरी माँ ही रहूंगी और तेरे को कभी भी डांट सकती हूँ। तो इस... बोल भी नहीं पाओगे कि आप इतने बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, तो अभी मेरे को यही बोल रहा था कि मम्मा आप, मैं 100 ईयर्स का हो जाऊंगा तो आप 127 के हो जाओगे, तब डांटना तो बहुत दूर की बात है, आप बोल भी नहीं पाओगे। क्या मैं उस टाइम भी, जैसे मैं अभी वेट्स उठा के ट्रेनिंग करती हूँ, उस टाइम भी करूंगी। 127 ईयर्स तक जा सकते हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं। जो अभी तक की लॉन्गेस्ट लाइफ लिव्ड है वो 122 ईयर्स की है, जीन कैमलेट ने जी है, और इसका रिकॉर्ड अभी तक सरपास नहीं है, किसी ने भी पास नहीं करा। मतलब कोई पर्सन था ऐसा जो 122 ईयर्स इनकी एज थी, हाईएस्ट अभी तक की, हाईएस्ट रिकॉर्ड है। जीन कैमलेट नाम के कोई पर्सन थे जिनकी एज 122 थी जब उनकी डेथ हुई, तो वेरी गुड। ये भी एक नई चीज हमें जानने को मिली है उदय से, थैंक यू उदय। जैस्मिन घर पे होती, दोनों बच्चे आपस में मस्ती करते रहते हैं, लेकिन आज उसकी दीदी घर पे नहीं है, तो उसने सोचा मम्मा चलो मैं आज आपके साथ हेल्प करवाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बोर हो रहा हूँ। स्टेफी चलो खाना खाओ। स्टेफी को खाना तो दे दिया है, लेकिन अभी उसके नखरे चालू हैं, थोड़ी देर में जब भूख लगेगी तब वो अपने आप खा लेगा। तब तक हम बना लेते हैं डिनर। उदय बना रहा है पनीर जाल फ्रेजी और मैं बनाऊंगी दाल। पनीर के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाल के 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। उसके बाद जूलियंस में कटे हुए अनियंस, रेड येलो एंड ग्रीन बेल पेपर डाले हैं, और साथ ही जूलियंस में कटा हुआ ही अदरक डाल दिया है। कवर करके सब्जियों को थोड़ा पकने देंगे, और दूसरी साइड पर तड़का लगा लेती हूँ मैं दाल को। तो एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, साथ ही उसमें जीरा डाल दिया है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद उसमें डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, प्याज डाल देंगे, और 2 हरी मिर्च मैंने काटी थी वो भी इसमें डाल दी है। तो नॉर्मल जैसे दाल को तड़का हम लगाते हैं, सेम वैसे ही तड़का लगाना है। और इधर शिमला मिर्च वगैरह सॉफ्ट हो गई है, तो उसने उसमें डाल दी है ढेर सारी टोमेटो केचप, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, तो इसलिए सॉल्ट इसमें हम थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि टोमेटो केचप में भी सॉल्ट होता है। तो अब उसमें डाल दिए हैं उसने पाउडर मसाले, धनिया पाउडर डाला है,
टर्मरिक पाउडर डाला है, थोड़ा सॉल्ट डाला है, साथ ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। डेली वैसे तो मेरा बहुत सा टाइम कुकिंग में जाता है, लेकिन उदय का किचन में साथ होना मतलब नॉन स्टॉप गपशप चालू, तो टाइम का पता ही नहीं चलता क्योंकि उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। एनीवेज प्याज ब्राउन हो चुका है और टमाटर मैंने उसमें डाल दिए हैं। तड़का दाल के लिए भी रेडी है, अब इसमें डाल देंगे हम पाउडर मसाला, थोड़ा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा कम डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और पनीर को भी हमने उसी तरह से लंबे स्लाइसेस में काटना है जिस तरह से हमने कैप्सिकम को काटा है। अच्छी तरह से मसाले के साथ पनीर को भी कोट कर देंगे, लिड लगा के इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने देंगे। दाल में अगर पानी ज़्यादा हो तो उसे पहले छान लें, उसके बाद दाल तड़के में डालें, लेकिन अगर ज़्यादा पानी नहीं है तो आप डाल सकते हैं। खाने से पहले दाल में लेमन डालना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जैसे ही सब काम करके फ्री हुई तो जैस्मिन का कॉल आ गया कि उसे उसके फ्रेंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ने आ रहे हैं, तो आप वहाँ से आके मुझे ले जाओ। तो बस फिर मैं और कुलदीप जी उसे लेने ही जा रहे हैं। यस बच्चा, पार्टी की हाल है? नमस्ते जी, खुश रहो, ठीक है? नमस्ते निष्ठा, मैक्रोनी बहुत टेस्टी थी। चलो चलो फिर, चलो ओके बेटा, ओके, अपना ख्याल रखो, ठीक है? हाँ, इस टाइम नो भाई, नो बाय। मेनू छेती छेती मिले ढोलना नहीं आ तेरे बिन, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छेती मिले ढोलना मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। उसने मैक्रोनी बनाई थी बहुत स्वाद। मैक्रोनी खाने के बाद तो मेरे को पूछ रही कि मम्मा आपने क्या बनाया खाने में। मैंने और उदय ने मिलके बनाया है आज साबुत मूंग की दाल और साथ में हमने बनाया है पनीर झाल फ्रेजी। झाल हाँ, बहुत टेस्टी बना है, बस फटाफट जाके खाना खा। दीदी आ गई। जैस्मिन एक्चुअल में ना तेरे से इसको कोई लेना देना है ही नहीं है, उसे प्यार ही नहीं है यार। इसको बस मेरे बिस्तर पे सोना होता है। मैंने खाना वगैरह खा लिया, एक हाथ पे मेहंदी लगा चुके हैं, दोपहर में दिखाना मामा चढ़ गई, बहुत अच्छी चढ़ी है। वाह वाह। और अब रही सही कसर जो है वो दूसरे हाथ पे भी पूरी की जा रही है। जब हम लोग जैस्मिन को लेके वापस आए तो पापा मामा और उदय खाना खा चुके थे, अब बारी थी मेरी, जैस्मिन की और कुलदीप जी की। मम्मा को आज मेहंदी लगाने का शौक चढ़ा है, मैंने कहा था कि मैं लगा दूंगी आप वेट करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बिजी हो, तुम अपना काम करो, मैं तो यूं ही अपना टाइम पास कर रही हूं। मैं अपने रूम में आ गई हूं, चेंज करने जा रही थी तो अभी पर स्टफी का मूड मेरे साथ बॉल खेलने का है। बॉल इसको इतनी ज्यादा पसंद है, जितनी बॉल्स मैं लेके आई कोई उसको उतनी पसंद नहीं आई, वो भी नहीं, लेकिन ये बॉल जहां भी वो जाता है, अगर नीचे जाएगा तो नीचे लेके जाएगा इसको साथ में, अगर ऊपर आएगा तो ऊपर लेके आएगा। खेलें तो मैं इसको उधर करके अपने पीछे छुपा लूंगी, तब देखिएगा आप कहाँ है बॉल। छुपा ली है, कहाँ है बॉल? मेरे पास नहीं है। नो मैंने तो ली नहीं, लेके आओ कहाँ है? नो मेरे पास नहीं है। नो अच्छा ले लो, ठीक है, ये तो स्टफी तो खेलता ही रहेगा। और मैं चेंज कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।